35 से हटने के बाद जम्मू की जनता क्या सोचती है और आने वाला स्वतंत्रता दिवस उसको लेकर जम्मू के लोगों में किस प्रकार की धारणाएं हैं, आज इसी सब पर हम जम्मू की जनता से बात करेंगे। आखिर 370 को लेकर उनके दिल में क्या राय है और आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर उनके मन में क्या राय है, तो आइए चलते हैं जम्मू की जनता से, पूछते हैं ये दो सवाल और मांगते हैं उनसे इन दो सवालों के जवाब। आपका नाम? जंग बहादुर शर्मा। जंग बहादुर जी, 370 को हटा दिया गया, आम जम्मू का नागरिक क्या सोच रहा है इस बारे में? 370 को जब इन्होंने सोमवार को तोड़ा है तो मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर की जनता खुश है। अगर इसको कोई फ़ायदा था तो पॉलिटिशियन जो हाई क्वालिटी के हैं, नुकसान था तो जो पॉलिटिशियन हाई क्वालिटी की है। आम जनता जैसे पहले सफ़र कर रही थी वैसे ही अब चल रही है। हमें कोई फ़ायदा नुकसान तो आने वाले टाइम में मिलेगा। मैं उस एंगल से देखता हूँ कि जो एक हमारे जो छोटे दिमाग के छोटी सोच के लोगों की एक डर बैठ गया था दिमाग में कि कल को हमें जम्मू छोड़ के जाना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर से निकाला, जो अच्छे अच्छे लीडर थे पहाड़ों में भद्रवाह किश्तवाड़, उनको कतलेआम कर करके वहाँ से डर का माहौल डाल दिया, वो लोग उधर से जम्मू में आ रहे थे। कल को ये एक हमें क्वेश्चन पुट अप होता था कि कल को शायद हमें ना जम्मू छोड़ना पड़े। इस दफ़ा टूटने से हम लोग खुद को और आने वाली कल की पीढ़ी को सुरक्षित हाथ में छोड़ के जा रहे हैं। हमें मोदी जी और अमित के ऊपर पूरा विश्वास है कि इनके हाथों में हमारा J&K सेफ रहेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी एक बात है, जो हमें जो गवर्नमेंट से जो बुनियाद मिलेगी, जो रिलीफ मिलेगी, वो तो एक तरफ, दारा टूटने से जो हेल्थ फैसिलिटी, जो हम जम्मू के लोग सफ़र कर रहे थे, छोटे से छोटा ऑपरेशन कराने के लिए हमें मूव करना पड़ता था लुधियाना में, हमें मूव करना पड़ता था अमृतसर में, वो फैसिलिटी हमें घर बैठे हुए हमें जम्मू में भी मिलेगी। अच्छा, पहले वाले स्वतंत्रता दिवस और अब जो स्वतंत्रता दिवस है, इसमें कोई फ़र्क देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में? वही जज्बात लोगों के जो हिंदुस्तान की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पहले भी जय हिंद जय भारत था, आज भी जय हिंद जय भारत है। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष कहाँ से हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं। अच्छा, ये 370 हटा दिया गया सरकार द्वारा, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। हाँ जी। क्यों, क्या था इस 370 में ऐसा? ऐसे कुछ था तभी तो वो हटाया ना। अच्छा, अभी आप खुश हैं? हाँ, खुश है, और खुश नहीं और क्या है। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस है, पहले वाले स्वतंत्रता दिवस में और अब वाले स्वतंत्रता दिवस में कोई फ़र्क नज़र आएगा आपको? ऐसे तो कुछ आ रहा नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे। अच्छा, आप खुश हैं? क्या नाम है? राहुल। कहाँ से? जम्मू से ही हैं, प्रॉपर जम्मू से। धारा 370 को हटा दिया गया, खुश हैं या दुखी? बहुत ज़्यादा खुश हैं और होना भी चाहिए सबको। इससे डेवलपमेंट बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, लोगों को जो सेंट्रल फैसिलिटी हैं वो मिलेंगी, जो ये कश्मीर के जो भी पॉलिटिशियंस हैं उसकी वजह से नहीं मिल पाती। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अब तो बाहर से लोग आ जाएंगे यहाँ पर, हमारी नौकरियाँ खा जाएंगे। वो एक इशू है, लेकिन आप मेरिट पे आओ, जो मेरिट पे हाई पे है, चाहे वो लोकल है चाहे बाहर से है, उसको मिलनी चाहिए सर्विस। ये नहीं कि आप नीचे से हो तो उसको ऊपर चढ़ा दो। जो टॉप पे आता है, जैसे मेरिट पे जिसके मार्क्स परसेंटेज ज़्यादा आती हैं, उसके हिसाब से, चाहे वो लोकल हो चाहे बाहर का हो। जैसे डॉक्टर्स हैं, अगर वो 90-100% मार्क्स लेने वाला, उसको सर्विस नहीं मिलती है, 40-50 वाले को सर्विस मिल जाती है, उसे वो क्या इलाज करेगा? अच्छा, स्वतंत्रता दिवस है, पहले वाले स्वतंत्रता दिवस में और अब जो स्वतंत्रता दिवस है, इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बहुत फ़र्क है। अब तो श्रीनगर में भी लोग खुशी मना रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ न्यूज़ में। पर्सनली तो मैं वहाँ गया नहीं, जो न्यूज़ से पता चल रहा है वहाँ भी लोग खुश हैं। जैसे आज ईद है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, सब मिलकर मिला रहे हैं, सारी कम्युनिटीज़ के लोग मिला रहे हैं। और ये है कि कल को जैसे अब उनका श्रीनगर में एक स्पेशलाइज्ड J&K गवर्नमेंट का अपना ही एक फ्लैग होता था, अब नेशनल फ्लैग, क्योंकि J&K इंडिया का एक पार्ट है और उधर नेशनल फ्लैग ही हर जगह होना चाहिए। ये नहीं कि हर कोई अपनी जगह अपना अपना फ्लैग रेज कर ले। इसलिए बहुत अच्छी बात है, 370 बहुत पहले हटनी चाहिए थी, मैं तो कह रहा हूँ आज से 20-25 साल पहले हटनी चाहिए थी, जो कांग्रेस ने नहीं किया वो बीजेपी। नरेंद्र जी, धारा 370 हटने के बाद जम्मू के लोग, आप भी जम्मू से ही हैं? हाँ, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मोदी साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और ये बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी दुरुस्त आया है, दुरुस्त लिया है।
अच्छा स्वतंत्रता दिवस है, पहले वाले स्वतंत्रता दिवस में और इस वाले में कोई फर्क नजर आ रहा है? फर्क ये नजर क्या आना है, हो रहा है कि अब हमारा नेशनल जो है फ्लैग वो चढ़ेगा। पहले श्रीनगर में ऐसा नहीं था, अब नेशनल फ्लैग यहाँ चढ़ाया जाएगा जो कि पहले चढ़ता नहीं था। तो ये बहुत अच्छा किया है मोदी साहब की सोच, और जो अमित शाह की सोच है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा, और इससे सारी जनता बहुत खुश है। क्या नाम है? मेरा नाम है संजय नाम है। संजय जी, धारा 370 हटा दिया गया तो क्या कहेंगे इस पर, सही हुआ कि गलत हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैंने क्या इन परिवारों से, हमें तीन परिवार थे जो उनसे अच्छा इन्होंने नोट कमाया, हर चीज़ सुविधा ली, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, पहले स्वतंत्रता दिवस और इस वाले स्वतंत्रता दिवस में कोई फर्क नजर आ रहा? नहीं नहीं नहीं, अब और अच्छा होगा, हर गांव गांव में हर जहाँ तिरंगा फैलाएगा हर चीज़। मैंने अभी न्यूज़ देखी है 50,000 ये झंडे आए हैं हर गांव में हर जगह उन्होंने फैलानी है। आपका नाम? मदनलाल अबरोल। मदनलाल जी, धारा 370 को हटा दिया गया, क्या कहेंगे उस पर? दफा 370 को हटना जो है बेहद लाजमी था, क्योंकि इसके लिए कितने संघर्ष हुए और जो गवर्नमेंटें आईं वो चंद लोगों की गवर्नमेंटें थी। अब इसमें ऐसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया है। यहाँ आकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी कत्ल हुआ, दफा एक इसमें कहा रहा है एक निशान एक प्रधान एक प्रधान। अब ऐसा हुआ है तीन हिस्सों में बांट दिया गया, जो पैसा एक पॉकेट में जाता था अब जो पैसा जो है वो आम जनता में जाएगा, और उसके लिए हिंदू मुसलमान जो भी यहाँ रहते हैं इनको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। और ये जो दफा 370 टेरिटरी बनाने ये नहायत अच्छा है, क्योंकि थोड़े लोगों का काम जो है वो जल्दी हो। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, पहले वाले स्वतंत्रता दिवस में और अब जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है इसमें कोई फर्क नज़र आ रहा है? हाँ फर्क नज़र आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस जो है ये आम लोगों का है, अब एक आदमी का नहीं है कि हमने एक ज़बरदस्ती बिठा दिया तो उसको बोल दिया कि झंडा ये है वो है, लेकिन आम ऐसे लोगों का जुड़े हैं हमारे साथ, जो लोग मोदी जी को कहते थे कि किसी वक्त उनको वीज़ा नहीं मिलता था, अब वो है वीज़ा भी मिल रहा है और लोगों की समस्याएं जो हैं वो हल होने जा रही हैं। आज उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि घर घर में जाओ ईद की खुशी में लोगों को मुबारक दो, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी लोग जहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अलग अलग टेरिटरी तो बनी गई है, अक्टूबर में हो जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए ये जिम्मेदार कौन है? ये मोदी जी ने एक नहायत अच्छा कदम उठाया। जम्मू के जनता की राय और उच्छेद 370 और 15 अगस्त पर, और जम्मू की अगर बात करें तो जितने भी लोगों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि अनुच्छेद 370 हटने से लाभ हुआ है जम्मू कश्मीर को, तरक्की होगी उन्नति होगी। और वहीं दूसरी ओर अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो उनका कहना है कि एक नया स्वतंत्रता दिवस जो है वो अब जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा, क्योंकि लाल चौक पर भी इस बार तिरंगा लहराएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।